महान पर्व पर्युषण पर्व एक लंबी श्रृंखला है मानव जाति के इतिहास में पर्वों की। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन किसी न किसी जाति में किसी न किसी राष्ट्र में कहीं न कहीं कोई न कोई पर्व न मनाया जाता हो। ऐसा नहीं है। इन पर्वों में पर्युषण पर्व भी एक विलक्षण पर्व है। यह पर्व आत्म पर्व है, स्वयं का पर्व है, स्वयं के जागरण का पर्व है, स्वयं की शुद्धि का पर्व है। पर्युषण शब्द बड़ा विशिष्ट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पर्युषण का अर्थ है परिउष्णम, एक हमारे जीवन में चारों तरफ में विकारों की जो आग है, अहंकार की जो आग है, उस ज्वाला को हमें क्या करना है, उसे 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 शांत करना है। उस उष्णता, वो जो ताप है, उसको चारों तरफ से उसे शांत करना है। हो सकता है कि हम अपने जीवन में आज हम यह संकल्प कर लेते हैं कि हो सकता है कि हम वस्त्र परिवर्तन ना कर सके, हो सकता है कि हम संन्यास के जीवन को ना स्वीकार कर सके, हो सकता है कि ग्रस्त जीवन की उस दत्तन में से ना निकल सके, पर कम से कम उस पर लगने वाली जो विकृतियां हैं वे अहंकार की विकृतियां हैं, वे क्रोध की विकृतियां हैं, वे मोह और माया की विकृतियां हैं। उन विकृतियों से कम हम अपने आप को उसकी गंदगी को तो हम दूर कर सकते हैं, इतना तो हम साहस जुटा सकते हैं। हो सकता है कि इतनी दूरी पर हम छलांग न लगा सके, हम आकाश में पक्षी की तरह उड़ ना सके, हो सकता है, पर इतना तो हो सकता है हम जमीन पर एक एक कदम चल करके आगे उस साधना के मार्ग पर बढ़ सकते हैं, इतना तो हम कुछ कर सकते हैं। जीवन की सुख की प्राप्ति का एकमात्र उपाय वो कौन है, हमारी अपनी वैयक्तिक साधना से ही हम सुखी हो सकते हैं। ये पुष्ट करना है, स्वयं के विश्वास को मजबूत करना है कि हम दूसरे पर आधारित नहीं हैं, दूसरों के सहारे से हम नहीं हैं। आइए पर्युषण पर्व, ये एक ऐसे महान साधकों की, उन महान उत्कृष्ट जीवन की एक इतनी सुंदर कहानियाँ मैं आपको इसलिए नहीं सुना रही हूँ क्योंकि मनोरंजन है, ये मनोरंजन के लिए नहीं, ये मनोभंजन के लिए है कि हमारे मन के भीतर की जो विकृतियाँ हैं उन विकृतियों की गांठ हम किस प्रकार से खोल सकते हैं। हम दूसरों के समक्ष नहीं कर सकते हैं, दूसरों के समक्ष हम अपनी बुराइयों को खोल नहीं सकते। दूसरे के समक्ष अगर आप अपनी विकृतियों की चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपके लिए परेशानी का कारण बन सके, हो सकता है कि आप दूसरों के सामने ना जाएं, ना कहें, लेकिन जब बैठे एक 10 मिनट के लिए बैठे, अभी हम 5 मिनट के लिए बैठ जाए और 5 मिनट बैठ करके सोच लें कि इस पिछले वर्ष में हमने ऐसी कौन सी किस प्रकार की बुराइयों में से हम गुजरे हैं, जिन बुराइयों से अगले आने वाले समय में उस बुराई से क्या करना चाहते हैं, हम बच करके अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। एक छोटी सी आज पर्युषण पर्व के प्रारंभ के प्रथम दिन पर कम से कम हम एक छोटी सी भूल पिछले वर्ष की, पिछली जिंदगी की ऐसी कौन सी की है जिससे मुझे अशांति हुई है और मेरी अशांति दूसरों की अशांति का भी क्या बना है, दूसरों की अशांति का कारण बना। अपने भीतर की विकृतियों को समझ करके अपने आप को किस तरह से पुष्ट कर सकते हैं। पुष्ट करने का अर्थ दुख से हम कमजोर होंगे और सुख से हम क्या होंगे, अशांति से हम क्या होंगे, कमजोर होंगे और शांति से हम
ज्यादा ताकतवर होंगे। हमारे दुख देने से दुनिया और कमज़ोर और हम भी कमज़ोर, और दुनिया से सुख लेकर के सुख देकर करने से हम अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। आज के इस मंगलमय पर्व पर, पर्युषण पर्व हमारी शक्ति का पर्व है, हमारी शक्ति का पर्व है, जागरण का पर्व है, जीवन को सम्यक दिशा पर ले चलने का पर्व है, सम्यक्तु को समझने का पर्व है, आत्मशक्ति के जागरण का पर्व है। इस महापर्व